आप ठीक है सर? अब ठीक है सर, मैं ठीक हूं, थैंक यू। कहां गए सब लोग? सो गए हैं सर। मुर्गी हमेशा जल्दी सोती है ना? आपको कुछ चाहिए सर? आज नहीं कल। सासू मां, मेरी प्यारी बीवी है, मेरी जान, आ जा। फिर से सुंदर बना देगी। शिमाल, मेरे हाथ में ना 3 इक्के हैं, मैंने चाल बढ़ा दी है। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? मैंने ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी पी।
वोलेंट, मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना उसके कमरे में जाने से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपनी पत्नी को मिस कर रहा था। आज के बाद तुम इस कमरे में पैर नहीं रखोगे। आपकी बेटी से मिलने के लिए कितने दिनों से तड़प रहा था मैं, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शिमाल बुरी तरह से इंजर्ड है, उसकी तबीयत खराब है, पागलपन मत करो। तू मेरे मुट्ठी में है समझी? ला 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 मेरी जानी मन, वो आपकी रानी अब मेरी मुट्ठी में है, मेरी मुट्ठी में है। ओ मेरी जाने मन, थोड़ा सा मुस्कुरा दे। तुम ठीक हो? क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुमने मेरे साथ डील की है, याद है ना? लैंड, डरो मत, मैं किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। कैसे? भरोसा करो, मैं उसे इस घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जब तक वो यहाँ है मैं यहाँ नहीं रह सकती। रुक जाओ चीचे, प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज रुक जाओ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो चीचे, भरोसा रखो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, भरोसा करो प्लीज, प्लीज भरोसा करो, मुझ पर मत जाओ। चाहिए? अगर मेरे लिए नहीं तो अटलास के लिए तो रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज। उसे दूर भेजिए। डरो मत चीचे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, बुलैन को मैं किसी न किसी तरह से इस घर से बाहर निकाल दूंगी, प्रॉमिस। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सारी रात सोई नहीं? चलेबी के ऑफर के बारे में सोच रही थी। तो फिर क्या फैसला लिया? मैं चलेबी के पास जाऊंगी। प्रोटोकॉल तैयार है। थैंक यू चलेबी। तुम्हें वाकई लगता है बुलेंट इसे साइन कर देगा? मैं अच्छी तरह से जानती हूं उसे कौन सी भाषा समझ आती है। मैं चलता हूं। सॉरी तुम्हें यहां आने की तकलीफ थी, बात ही ऐसी थी। एक परिवार में ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं करते। गिव रिगार्ड्स टू शिमेल। सब ठीक हो जाने के बाद लंच पर चलते हैं। श्योर। गुड बाय।
क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये सामान बांधो और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। इन पेपर्स पर साइन करो। उसे प्यार करता हूं मैं, कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, समझी? इस पे अमाउंट लिख दो, मैं साइन कर देती हूं। ब्लैंक चेक है, अमाउंट तुम लिखो, तुम प्रोटोकॉल साइन करो और मैं ब्लैंक चेक। फैसला कर लिया? कहाँ है? जेमरे, पहले मुझे तुम पर लगे चार्जेस हटाने दो। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारी दुकान तुम्हें मिलने आ रही हूँ। ठीक है, तुम जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आया। लेकिन उमेर, क्या बात है? वो साले कमीने सलीम को उसके बिल से निकालने जा रहा हूँ। क्यों? एक मिनट रुको, मैं जानता हूँ मुझे किसने फंसाया है। किसने? तुम दुकान पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। उमेर, हमारे मोहल्ले में आपका स्वागत है, मैं दिलेक हूँ, आइए ऊपर आइए, एक कप चाय पीते हैं। नहीं फिर कभी आंटी, क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं? हाँ हाँ पूछो। ये सलीम कहाँ रहता है? कौन सा सलीम? जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ? जल्दी लिखो और पेपर साइन करो। दरअसल सासू माँ, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप कितनी अमीर हैं। मैं अगर चाहूं ना तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। शिमाल को अपने पापा से जो दौलत मिली, आपको आपके परिवार से जो दौलत मिली है, वो आगे जाकर मेरे एटलास को मिलने वाली है। बड़े कमीने हो तुम। सासू माँ, जब आप गुस्सा होती है ना, तब मुझे आपकी आंखों में पैसों से भरा एक बड़ा पैलेस नजर आता है। ओ मेरी रानी, तू मेरे मुट्ठी में है। दरवाजा खोल।
देख लिया है, तुझे अंदर है तू? सलीम दरवाजा खोल वरना, सलीम दरवाजा खोल दे वरना तोड़ कर अंदर आ जाऊंगा। सलीम इधर आ, हिला मत, हिला मत। तू मुझे गोली मारेगा? दूर रहना वरना मार दूंगा। साले ट्रिगर दबाने के लिए भी जिगरा चाहिए, दबाना। दबा दूंगा मैं। दबा, दबाना। चल बता अब मेरे को क्यों फंसाया? इसके अंदर के कहने पे फंसाया ना, क्योंकि तेरे जैसे कीड़े में तो हिम्मत नहीं होगी, इसके अंदर के कहने पे ही फंसाया होगा। उमर मुझे माफ कर दो। रुक, तुझे माफी देता हूँ। इसके अंदर के कहने पे किया था ना, बताता है या उड़ा दूँ तुझे? मैं डर गया तो उमर, उसी ने करवाया मुझसे। तुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। उमर किसी को बताना मत, मैंने तुम्हें बताया। सुन रहे हो ना उमर, प्लीज वो मुझे मार देगा। मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें उमर। मैं मम्मी को घर लेकर आ रहा हूँ। सच में पापा? हाँ, उसे एहसास हो गया कि उसे हमसे कितना प्यार है। फिर आगे क्या हुआ देखें। उमेर, क्या हुआ, बात क्या है? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा मुंह ऐसे लटका क्यों है? मुझे बताओ ना, सलीम के साथ क्या बात हुई? उमेर बताओ तो सही, क्या बात हुई? पुलिस में मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देने वाला सलीम था। लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा? उसने खुद नहीं किया, किसी ने करवाया है उससे। किसने? इसके अंदर क्या बेली। फाइनली मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा। चैंपियन आजा आजा। तुझे क्या खिला रहे हैं ये लोग? तू तो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। हाँ, तुम्हारी आइसक्रीम मैंने फ्रीजर में रख दी है। रेसबेरी, कैरमल, चॉकलेट और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। जाओ खा लो, जाओ। श्रीमान, बात नहीं करोगी? रुया, छोड़ो मुझे। क्या हुआ?
सॉरी तुम्हारी मम्मी ने टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है, उसके बावजूद मैं आ गया। कैसी हो? मैं पहले मिलने नहीं आया इसलिए गुस्सा हूं। मेरे ड्रेसिंग का टाइम हो गया। ठीक है मैं यहीं रुका हूँ, कब से तुम्हारे साथ बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ मैं। रुको बात तो सुनो। मुझे छूना मत। सॉरी शिमाल, तुम ठीक तो हो? कभी ठीक नहीं होने वाली। देखो 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 ये सब मेरी हालत, देखो देखो मुझे, मेरा चेहरा देखना चाहते हो? शिमाल प्लीज रिलैक्स। खूनी तो ही मेरा कातिल है। मिस्टर जेमरे, आप हमारी चैनल पर लाइव हैं, क्या आप सरेंडर करने आई हैं? मैं यहां सरेंडर करने नहीं बल्कि लड़ने आई हूं। मैं जेमरे कायबेली अपने पति चलेबी कायबेली के खिलाफ कंप्लेन करने आई हूं, जो मेरे साथ फिजिकल और मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस करते आ रहे हैं और जिसने कई सालों तक मुझे दवाइयां खिलाकर बीमार रखा है। जाहिर सी बात है कि मैं बहुत डरी हुई हूं, लेकिन मैं इस डर के साथ मेरी पूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। जब मैं अपनी बेटी से दूर रहती हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब मैं वो मां नहीं बनना चाहती जो अपनी मौत का इंतजार करती रहे। गुनेश बेटा, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हम दूर हैं ताकि हम पास आ सके। मैं बिना डरे ये लड़ाई लड़ूंगी, मैं अपनी आजादी के लिए लड़ूंगी। जब तक मुझे चलबी कायबेली से डिवोर्स नहीं मिलता और जब तक मुझे अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिलती, मैं लड़ती रहूंगी। शिमाल, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन सा कातिल? तुमने मेरा मर्डर किया है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कैसे होने देता, बताओ ना। शिमाल देखो, शिमाल जैसे मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रही। शिमाल अपने कमरे में जाओ और आराम करो, बाद में बात कर लेना। चलो इस्कंदर प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। यस ठीक है। कातिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सब कुछ बर्बाद करके रख दोगी, होश में आओ। चलो अपने कमरे में जाओ, मेरी बात सुनो, अभी अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाओ शिमाल, शिमाल शिमाल प्लीज अपने कमरे में जाओ, प्लीज जाओ जल्दी, प्लीज बात को समझो जरा शिमाल, समझ लो।
तुमने क्लाइमैक्स तो बताया ही नहीं। मुझे तो लगा था आज मस्त एक्शन सीक्वेंस देखने मिलेगा। क्या हुआ? तुम दोनों तो क्लोज फ्रेंड्स हो, तो अचानक से ये कैसे हो गया? क्या किया उसने जो तुमने उसे झटा मारा? कुछ नहीं किया। इस देश का भविष्य हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि उनके हाथ में जो हमें मारना चाहते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा स्टेटमेंट देने जाना है। किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन जो की है। आप हमारे चैनल पर लाइव है, उन्होंने अभी जो कहा उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर चेले भी आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं अपनी पत्नी की स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ बोलूं भी, तो मुझे नहीं लगता आप जैसे रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट्स एक इमोशनली अनस्टेबल औरत के इस वल्नरेबल मोमेंट को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करने की गलती नहीं कर सकते। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। चलो, अभी अभी आपने सुना फॉर्मर मेयर चेलेबी कायबिली ने उनकी पत्नी जेमरे कायबिली के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहा। इस खबर की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहूंगा। स्टे ट्यून्ड। मैं इसीलिए तुम्हें बार बार मना कर रही थी। देखी क्या हालत है उसकी। ऑनेस्टली मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? क्या सोचा था कि क्या होगा? शिमाल एक बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है, बेवजह गुस्सा होकर तमाशा खड़ा कर देना नॉर्मल है, समझ रहे हो ना? वो तो है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। थैंक यू इस्कंदर, लेकिन इस वक्त शिमाल को अकेले रहने की जरूरत है। जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट ना करे, अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो उसे अकेला छोड़ दो। उमेर, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो रुया, मैं सुन रहा हूँ। पहले मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये क्या सवाल है? ऑफ कोर्स उससे ही मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद तुम इस सबको खत्म कैसे करोगे? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या मैं गली का गुंडा लगता हूँ, या लगता है कि मैं शांति से बात नहीं कर सकता? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधे लात या घूसों से बात करता हूँ। ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन तुम अपने आप को देखो तो सही। इस्कंदर के नाम से तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुम उसे मिलने जा रहे हो। इन हील्स में तुम्हारे पीछे भागना कितना डिफिकल्ट है, तुम्हें पता है? मत भागना यार रुया, मत भाग। अपनी मर्जी से नहीं भाग रही हूँ। तो क्यों भाग रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी लॉयर हूँ। तुम मुसीबत में फंस जाओगे, मैं नहीं देख सकती। क्या बात कही है? अगर मैं अपने आप को मुसीबत में डाल रहा हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगा। तुम बीच में मत आओ प्लीज। बीच में मत आओ प्लीज। Oh
दरवाजा खोलो। ये तुम क्या कर रही थी? अगर इस्कंदर को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? बोलो। तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से हमारे इतने दिनों की मेहनत। ठीक है कोई बात नहीं, उसे वहीं रहने दो। तुम ठीक हो? आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। वैसे भी इस्कंदर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने मेरा मर्डर किया है। क्या मतलब है इसका? मेरी ये हालत उसकी वजह से हुई है। उसने अपने आप को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे मुझे आग में धक्का देकर जला दिया। ओह माय गॉड, तुम सच कह रही हो? क्योंकि इस तरह का इंसान नहीं, यही कहना चाहती है ना? सिर्फ वही नहीं, सबके सब वैसे है। दुनिया कहती है लेडीज एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेकिन जब खुद को बचाने की बात आती है तो वो औरतों को भूल कर चले जाते हैं। श्रीमान, आपको क्या लगता है श्रीमान की मौत कैसे हुई? एक आदमी ने उसे अपने पैर के नीचे कुचल कर मार। बस करो, बहुत हो गया। आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तो वहाँ जिंदा चल रही थी। इस्कंदर वहाँ से जिंदा बाहर निकला, लेकिन मैं मदद की भीख। जिमरे, क्या मैं 2 मिनट इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे थे? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। हाँ, फिर ठीक है। कुछ और गड़बड़ तो नहीं है ना? क्या गड़बड़ हो सकती है? पता नहीं है ऑफिसर्स किससे क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगा चले भी ने कोई नया स्टेटमेंट वगैरह दिया होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन मौका मिला तो वो जरूर कुछ करेगा। मेरे जाने के बाद उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, मीडिया को इग्नोर करके चुपचाप चला गया। लेकिन तुम देखना, जैसे ही लोग ये न्यूज़ देखेंगे, चेले भी सबसे पहले तुमसे और फिर सारे देश की महिलाओं से माफी मांगेगा और हम सारे जर्नलिस्ट्स के पांव पर नाक रगड़ेगा। इस बार झूठी माफी से काम नहीं चलने वाला, उसे सजा होकर रहेगी। हाँ मिसेस जिमरे, देर हो रही है। सॉरी, मैं अभी आई सर, मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिमरे, बिल्कुल जरूरत है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ। ठीक है, सॉरी सर। जाएगा क्या? मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। वैसे तो मैंने उसे मना कर दिया है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर वो यहाँ आता भी है तो तुम तक ना। कोशिश नहीं, वादा करो कि आप उसे मेरे सामने कभी नहीं आने देंगे। मुझे उसकी शक्ल अभी नहीं देखनी। कमीना मुझे कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता क्या? बेशरम कहीं का, उसने मुझे चलते हुए मरने छोड़ दिया था, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ ठीक है, सॉरी। नहीं रह सकती और शांत नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना शांत, नहीं रहना है। जिस आदमी की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, वो बाहर से ही सलामत आजाद पंछी की तरह उड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? I'm sorry, शांत हो जाओ। मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेट जाओ। ये लो, तुम्हें अपने शरीर को आराम देना होगा। ये लो, आराम से, आराम से लाओ, दे दो मुझे, सो जाओ।
मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है? अपने दिमाग को शांत करो और सोने की कोशिश करो। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मिस। हेलो। बोलो। मैं मिस्टर इस्केंदर से मिलने आया हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन उनसे कहिए मैं आया हूँ, वो मना नहीं करेंगे। सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट के पॉसिबल नहीं है। कह देना उमर अटैची मिलने आया है। जैसा कि मैंने बताया, अपॉइंटमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पॉसिबल नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। Have a nice day. Thank you. इसको, अरे डरता है क्या यार? नीचे आना, अच्छे से बात करते हैं। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तू एक नंबर का फट्टू है। साला खुद ही लोगों को आग में धक्का देता है और भाग जाता है। ऐसा है इसको, उसको भगाओ यहाँ से अभी। क्या अभी? सर यहाँ खड़े खड़े तमाशा मत। जा रहा हूँ भाई, हाथ मत लगाओ, जा रहा हूँ। यहाँ से हाथ क्यों लगा रहा है? एक मिनट। अरे समझा, इसको ने ऑर्डर दिया है, चल। हाथ लगाएगा ना तो मेरा भी हाथ उड़ जाएगा। चले जाओ यहाँ से, वरना छोड़ के मारेंगे हम। हाथ मत लगा, चल हट। अरे वो ऊपर है, मुझे मिलने जाना है उससे। कुछ मत करना उमेर, उसकी मर्जी के खिलाफ तुम उससे मिलने नहीं जा सकते। वो मैं देखता हूँ ना, तुम हट जाओ। उमेर, तुम कोई गुंडे हो क्या, इस तरह मिलने जाओगे? चलो। दो सेकंड बस रुक जा। उमेर, दोस्त तेरे पास पेन है क्या? पेन चाहिए मुझे। क्या? अरे सोच क्या रहा है, कुछ लिखना है, पेन है तो देना। देख मेरे पास पेपर भी है, ला। ये पकड़, अब तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो ये तुम्हारे बॉस को दे देना और कहना कि इसमें मेरा एड्रेस है, और उसमें अगर थोड़ी भी हिम्मत और ताकत बची है तो मुझे आकर मिल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं ऐसा मत कह, नहीं तो वो मेरा गुस्सा तुम पर उतार देगा। सिर्फ इतना कहना, आदरणीय इस्केंदर जी, इस चिट्ठी में उमर अटैची का एड्रेस है, अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत बची है तो इस एड्रेस पर चले जाइए और सभ्यता से उसके साथ वार्तालाप कीजिए, ठीक है? बोलोगे कि नहीं? क्या? हाँ वही, चलो। उस पेपर पे क्या लिखा है? मेरा नाम और एड्रेस, उसको मिलने के लिए इनविटेशन देकर आया, चाहे तो वो आ सकता है मिलने। तुम अपना काम करो, मैं एटलास के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। ठीक।
कोशिश नहीं, वादा करो कि आप उसे मेरे सामने कभी नहीं आने देंगे। मुझे उसकी शक्ल अभी नहीं देखनी। कमीना कमीना मुझे कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता क्या। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है मैम? नहीं, नहीं। मैं बर्फ लेके आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, तो मैं क्लास को दूध देकर आओ। जाओ। ओके। Thank you.